तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ ट्राई किया फिर भी तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। खैर मुझे लगता है मुझे अपने साथ के थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मिस सुजन। हेलो डॉक्टर सैम, क्या चल रहा है? ये काफी मुश्किल केस है कॉली। एजेंट बेबी मानती है कि वो अपने दोस्त प्रिंसेस जैस्मिन और एल्सा से जेलस है। उनके पास बहुत शानदार कमरे हैं जो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, जबकि एजेंट बेबी अपनी बहनों के साथ रहती है और वो उसे जाने नहीं देती। हाँ मैं समझ गई। खैर ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है, पर मैं प्रोफेशनल्स की टीम को जानती हूँ जो अच्छे रूम बना सकते हैं और जो तुम्हारा थोड़ा मेकओवर भी कर देंगे। तुम मेरी और अपनी बात कर रही हो? बिल्कुल। अब चलो क्राफ्ट टेबल पर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, देखो हमारे पास यहाँ क्या है। मुझे नहीं पता था हम आज अनबॉक्सिंग। नहीं सामीर, ये तो बस हमारे पुराने कैप्सूल्स है, और अगर आपको याद हो तो इसमें हेयर स्प्रे कंटेनर है। प्ष, प्ष, हमें एलोवेल डॉल्स पसंद है और इसकी खासियत है कि ये खूबसूरत पैकेजेस में आती है जो एक प्ले सेट ही लगता है। ओ हाँ, जिसके पास भी कम से कम एक एलोवेल डॉल है वो हमें लाइक करें। ठीक है सुजी, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास हैमर है और तुम्हें ग्रिल मिलेगी। आराम से, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होने वाला। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वॉलपेपर चुनने में मदद करो। आजकल ये कलर इतना फैशन में नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा लगा? ये ज्यादा ब्राइट है। नहीं, पिंक उस रूम के लिए काफी प्लेन है और ये हमारी एजेंट बेबी को भी डर दिखाएगा। ठीक है तुम्हें बताए, पर मैं तुम्हारे सजेशन सुनना चाहती हूँ। खुशी से, मेरा सारा सामान यही है। वाह सैमी, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ओ, मैं अपने बेडरूम में भी यही वॉलपेपर लगाना चाहती हूँ। तुम बस बोलो सुजी, रॉजर और मैं फिर से तुम्हारा बेडरूम तैयार कर देंगे। क्यों ना हम अभी के लिए हमारे क्राफ्ट पर फोकस करें। यहाँ आपको बहुत ध्यान से काम करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि हमारी सुंदर वॉल्स पर कोई रिंकल्स ना आए। और साथ ही सही मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आपका क्राफ्ट हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। आपको कटिंग और ग्लू करने में परेशानी हो रही है तो अपने बड़ों की मदद मांग सकते हैं। ठीक है, आगे हमें फोम पेपर, एक शीशा और कुछ बीट्स की जरूरत होगी। मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। सुजी, सच में तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? ठीक है, इस स्टेज पर ग्लिटरी फोम पेपर बहुत काम आएगा। अब ये छोटा सा पीस यहाँ जाएगा और हमारा शेफ तैयार है। सुजी, मुझे छोटा शीशा तो नहीं मिला, क्या स्टिकर से काम चल जाएगा? मेरे ख्याल से हमें कुछ टिकाऊ चीज चाहिए। चिंता मत करो, मैं इसे एडजस्ट करने के लिए रॉजर से मदद मांगता हूं। तब तक ये प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल तैयार है। अब ये दीवार काफी खाली लग रही है, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा शेल्फ्स बनानी होगी? शेल्फ्स बहुत बोरिंग होती है सुजी। वाह दोस्तों, जरा इसे तो देखो सामी, ये शीशा बहुत सुंदर है। वैसे हम इसमें कुछ स्पार्कल्स लगा सकते हैं। तो सामी, अगर शेल्स नहीं तो हमें और क्या बनाना चाहिए? क्या यकीन मानो, मुझे पता है मेकअप और हेयरडू करते समय पास में सिंक होना जरूरी है। ठीक है, और हमें उसे किससे बनाना चाहिए? इससे, ये सरप्राइज प्ले सेट से पैकेज बच गया था। और तुम हमेशा मुझे इस तरह की चीजें फेंकने को कहते हो। ये काफी अच्छा आइडिया है। दोस्तों हमारे समझदार स्लाइम को लाइक करें। चलो लगाते हैं, थोड़ा आराम से प्रेस करो। बढ़िया सुजी, हम तार से वाटर टैप भी बना सकते हैं। मुझे कुमार का पीस भी मिला था, पर मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। अजीब बात है, कहाँ है? मुझे पता है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वैसे मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। चलो तार को इस तरह से मोड़ कर इसे सही शेप दे, और अब इसे असली जैसा दिखाने के लिए इसमें प्यारा सा बीड लगा देते हैं। सही सुजन, मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ था। अब दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत ही चमकता हुआ दिखाऊंगी। ये बहुत मजेदार है, ये तो बहुत सारे ग्लिटर है, और ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगी? सेव, बढ़िया है, तुम्हें पता चलने वाला है। चलो इसे हटाते हैं। और वाला, एक सुंदर सा ऑटोमान तैयार है। ये खास है और ये हमारे रूम के इंटीरियर से मैच भी कर रहा है। वाह, आपको
पसंद आया दोस्तों, मुझे पता है, मुझे तो आया है। कहीं मत जाइएगा और आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अब हम मेरे लिए भी कुछ एक्सेसरीज बनाएंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस बार हम कुछ बहुत ही खास प्रॉप इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल सही, ये आम पेंस के रबर पार्ट्स हैं। अब हम इसे ध्यान से इस तरह काटेंगे और फिर हम इसे एक और पेन के पीस पर लगाएंगे ऐसे, और इस तरह हेयर कलर्स बनाए जाएंगे। अब एक और पेन का पीस लें और उसे आधा काटें। ओह, बढ़िया है। अब हम ग्लू स्टिक का एक पीस इस्तेमाल करेंगे और उसे इसमें डालेंगे। इस तरह हमें छोटी सी डिओड्रेंट स्टिक मिलेगी। वाह दोस्तों, ये कितनी कूल है। पर्स का दोस्त मुझे गुदगुदी हो रही है। ठीक है, चलो अब एक और रबर पीस का इस्तेमाल करते हैं और ग्लू स्टिक के पीस से हेयर स्प्रे का मिनी वर्जन बनाते हैं। ये एक ब्लैक मार्कर से बिल्कुल असली दिखेगा। आप भी अपना हेयर स्प्रे सजाना चाहते होंगे किसी भी सुंदर राइनस्टोन से, ये मुमकिन है। राइनस्टोन की बात से याद आया, सुजी मेरी कूल परफ्यूम बोतल तो देखो जो मैंने बनाई है। जरा इसे देखो दोस्तों, मुझे यकीन है इसमें स्लिक स्लाइम की सिग्नेचर खुशबू होगी। चलो इसे यहाँ रखते हैं। और ये सीयू की बनाई हुई सेंट है। कुछ चमकीला कैसा रहेगा। हाँ? अच्छा आइडिया है दोस्तों, इस तरह आप जो चाहे वो बना सकते हैं। पेंस का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें कि वो लिखने के लिए किसी को चाहिए ना हो। या आप पुराने पेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो चलते ना हो। इस तरह से आपका क्राफ्ट इको फ्रेंडली बन जाएगा। क्या हुआ सामी? मैंने अपने ऊपर ग्लू गिरा ली, पर चिंता मत करो सीयू, मैं ठीक हूँ। मैं देख सकती हूँ। और तुमने वैसे मुझे एक नया आइडिया दे दिया, हमारी डॉल को भी एक पेपर टॉवल की जरूरत होगी। मेरे लिए तो डॉल हाउस बनाने के लिए ये दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। खैर सब कुछ अपनी जगह पर है, चलो देखते हैं एजेंट बेबी को ये सब कैसा लगा। बस याद रखना, अगर तुम्हें इस रूम के बारे में कुछ भी पसंद ना आए तो तुम हमें कह सकती हो, ठीक है? तो चलो देखते हैं। ओह बढ़िया है, मेरे ख्याल से ये बताने को तैयार है। ठीक है, वो कह रही है कि ये रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। पर सीयू तुमने देखा उसके अभी के हेयर स्टाइल पर, वो ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकती। खैर बिल्कुल, हम कैसे भूल सकते हैं। देखो मेरे पास यहाँ क्या है, हमारी डॉल इसके साथ रिपंजल से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। पर पहले तुम्हारे मेकअप को थोड़ा ठीक कर लेते हैं स्वीटी। अब ग्रैंड मास्टर सैमुअल वापस आ गए हैं, मैं क्या लूँ, मेकअप ब्रश या पेंट ब्रश? वैसे मुझे जो चाहिए मेरे पास सब है। नेल पॉलिश, सी यू, सच में? और थोड़ी सी ग्लिटर, देखो कितना सुंदर रंग है। हम इसे डॉल की आंखों पर स्प्रिंकल करेंगे और वो और चमकने लगेगी। ओह, मैंने गलत कैसे समझ लिया। ठीक है मास्टर समियो, मैं ये ले लेती हूँ। मैंने मदद कर दी। इस तरह से हम उसके चेहरे से एक्स्ट्रा ग्लिटर निकाल देंगे। और देखो मैंने उसकी चीजों के साथ क्या किया। वाह ये शूज भी ग्लिटरी है, मुझे बहुत पसंद आए। मुझे यकीन है वो इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगेगी। शानदार, अब आखिरकार हम उसके बाल बना पाएंगे। चलो थोड़ा जादू करते हैं। वाला, ओह ये कितनी सुंदर है, और मुझे उसके लंबे मुलायम बाल बहुत पसंद है। दोस्तों हमारी नई एजेंट बेबी आज हमारी बनी हुई चीजों को देखने के लिए तैयार है। शायद हमें उसे सुपर एजेंट बेबी बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारा छोटा सा मेकओवर पसंद आया तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं।
बाय एवरीवन।